नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इंडियन आर्मी में भर्ती होने आए 1500 युवकों में से 45 युवकों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिससे वह परीक्षा देने से वंचित रह गए। जब इन युवकों ने गेट पर तैनात आर्मी के जवानों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए हैं। जब खबर समय जगत के भोपाल संवाददाता ने इन बच्चों से बात की तो इन युवकों का कहना है कि हमारे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उस समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई और हम उसमें पास हो गए, और इसके बाद जब आज हम परीक्षा देने आए हैं तो हमें परीक्षा देने नहीं दिया गया और परीक्षा केंद्र से हमें बाहर निकाल दिया। इन युवकों ने यह भी बताया कि हमने सीएम हाउस जाकर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारी सरकार से यह मांग है कि हमें यह परीक्षा देने का अवसर पुनः प्राप्त हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कोर्ट तक जाएंगे। अब देखना यह है कि देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाने की इच्छा रखने वाले इन युवकों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल आता है या नहीं। आर्मी मेडिकल और फिजिकल हो चुका था आज से 3 महीने पहले, और हमारा आज एग्ज़ाम 28 अप्रैल को था। हमारा फिंगर ना आने के कारण हमें परीक्षा से वंचित किया गया, और हमें कोई आश्वासन कोई मैसेज नहीं दिया गया कि तुम्हारा एग्ज़ाम दोबारा होगा या ना होगा। उस बात का हमें बहुत दुख है। आगे क्या करना चाहते हैं? हम हाई कोर्ट तक केस लड़ेंगे इस बारे में, और हमारा न्याय होना चाहिए। अभी किसी से शिकायत की आपने? हम सीएम हाउस गए थे, पर वहाँ भी किसी ने हमसे बातचीत नहीं किया है, हमें खड़े तक नहीं होने दिए वहाँ पे। शासन से क्या चाहते हैं आप, क्या मांग? हम एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे हमारा रिजल्ट आए या ना आए, बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। एग्जाम जरूरी है वहाँ में देना। क्या वो 42 लोग आपके साथ हैं? हाँ, हमारे साथ है 42 लड़के। अगर ये एडमिट कार्ड आश्वासन से देंगे तो वो 42 से एग्जाम देने के लिए तैयार है। लिखित में आवेदन दिया, पूरा 42 लड़कों का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस लेके आए हम। कोई नहीं मिला वहाँ। मैं तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ से एग्जाम देने आया था, तो मेरा फिंगर मैच नहीं होने के कारण मेरे को आर्मी वाले ने एग्जाम पेपर ना देने नहीं दिया। वो मतलब इससे पहले आप दे चुके हो? नहीं दे चुका, फिजिकल मेडिकल हो चुका है मेरा। फिजिकल और मेडिकल में आपके फिंगर बिल्कुल सही है। एडमिट कार्ड है मेरा, ये एडमिट कार्ड भी है मेरे पास। डॉक्यूमेंट का बोला मैंने, आंखों का फिंगर का बोला मैंने, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। कुछ भी नहीं जानते हम, हमारे पास ये क्या तरीका है? कितने लोग हो आप? 42 लड़के हैं जिनका इन्हें फिंगर मैच नहीं हुआ। कहाँ से आए थे? सब 9 डिस्ट्रिक्ट के हैं, भोपाल संभाग में। हम एग्ज़ाम देने के लिए आए थे यहाँ, तो हमारा फिंगर मैच नहीं आया यहाँ। फिजिकल और मेडिकल में तो फिंगर मैच कर लिया था, लेकिन यहाँ मैच नहीं हुआ। तो क्यों, जब आपने पूछा था करी इसके लिए? हाँ, पूछा था जी, की बहुत रिक्वेस्ट की। हाँ। लेकिन उन्होंने माने नहीं, हमको बाहर कर दिया। और भी किसी के साथ ऐसा हुआ क्या? हाँ, हम अकेले नहीं, 42 लड़के ऐसा 42 लोगों को बाहर किया। कोई आश्वासन नहीं किया है। तो हम 1500-1600 लड़के आए थे, जिनमें से हम 42 को आउट कर दिया उन्होंने। बस 42 को? हाँ। अभी कुछ आपने पूछा ताची करी तो उसके ये तो क्या कोई जवाब नहीं किया, वो हमें गेट से बाहर कर दिया। अब इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम पेपर देना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सेना से कि हमारी एग्जाम दोबारा से ली जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। सेना हमारी लगन है, हम सेना में जाना चाहते हैं, ये हमारी लगन है, बचपन का सपना है हमारा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।